यहाँ पे जी पॉलिश कर दिया स्टार्ट, और ये देख सकते हैं मेरे जो मेरी स्टूडेंट है वो मेरा काम करने वाली है। और यहाँ पे जी हमने पहले पॉलिश लगा ली है, तो पहले मैंने अपनी आईब्रो थोड़ी सी नीट करवाई के आप मुझे देखती हैं प्यारे प्यारे कमर्स होते हैं। और माशाल्लाह से है ना एक ही बेटा है। और बहुत प्यारा है। हम लेने आए हैं बेकरी का सामान वगैरह बच्चों के लिए, कुछ ले जाते हैं लेट हो जाते हैं, और यहाँ से कुछ चीज़ लेते हैं बच्चों के लिए, और एक रस है बिस्किट वगैरह है, और रस ज़्यादातर रस खाते ही शौक से और सामने यहाँ यहाँ पे जी हमारा खाना हो गया रेडी रेडी कैसे के बड़ा मज़ेदार हमने इंजॉय किया, साथ साथ खाना बनाया सिलेंडर पे, और यहाँ पे बन गया खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हम अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को सुबह की प्यारी प्यारी हैप्पी गुड मॉर्निंग हो। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी जुबान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, अपनी फैमिली के साथ अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदरुस्ती और शफा दे, जो लोग बेऔलाद हैं अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक उनको बेटा दे, अल्लाह पाक सबके दिल की ख्वाहिश पूरी करे। आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, जो लोग बच्ची और बच्चों के रिश्तों से परेशान हैं अल्लाह पाक सब बच्चे के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मुकद्दर अच्छे करे। आमीन। जो लोग इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फिरदौस में अल्लाह मुकाम अता फरमाए। मेरी आल फैमिली के लिए लव यू, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक सबको खुश आबाद हंसता और मुस्कुराता रखे, अपनी जुबान में रखे। बहुत प्यारे कमेंट से आए, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। तो जी फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से मेरे चैनल को करें लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, दुआ में याद रखें। तो यहाँ पे जी हमारी हो गया गुड मॉर्निंग, सुबह की हैप्पी गुड मॉर्निंग यहाँ पे जी। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे जी सुभान, अब्दुल खालिक, अयान और यहाँ पे हीरो साहब उठे हुए हैं। और सुबह सुबह जी हम तो आज मतलब कि उठ गए हैं, रूटीन अब अपनी सेट की है। सुबह सुबह ये नाश्ता हो रहा है, 7 बजे का टाइम है, धुंध है, बाहर सर्दी है, और यहाँ पे हमने लगा हुआ हीटर वगैरह रूम में, तो बहुत अच्छा है यार। बाहर गया था नाश्ता लेने, यार कैसा लगा बाहर का मौसम? बाहर का मौसम बहुत ठंडा था, जगह धुंध थी। अच्छा, तो थोड़ी सी पॉकेट में डाल के ले आता यार। यान मम्मा की खाली क्या था यार, हाथ से निकल जाती थी। तो यहाँ कहते मम्मा नाचे ने खाने से पूछा, तो हमने कहा जी हम उठे हुए हैं तो खा लेते हैं। कल बस जो भी थी, जब चाय वगैरह पी, खाना वगैरह खाया, तो खाना असि इन्हां नूं खिलाने ते सुबह ऐ खिलाने ने सानू। ये तो बड़े मजेदार, अभी साडे ते ना भार अपना रह नहीं दिंदे, भार भाग रख दिंदे। हां मैं के कहंदे ने कि असि भी तुहानूं सुबह नाश्ता करवाना है। यहाँ पे जी ना चले या नहीं उठे, हाँ नहीं उठा वो, कहता मैंने नहीं खानी, नहीं उठा वो, कहता मैंने नहीं खाना, मैं दिल्ली गर्म सोए लगा। अच्छा, तो यहाँ पे अयान जो है ना वो गाजर का हलवा, यहाँ का फेवरेट है, सुभान का सॉरी। तो कल रेहान जो है ना मतलब के ये लेके आ गया था बेकरी से, मैं खुद बनाऊंगी इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है बाजार की चीज़ों का इतना टेस्ट नहीं होता, मज़े की नहीं होती, जो चीज़ घर में है ना वो ही मज़ेदार होती है, वो अच्छी भी बनती है और मज़े की भी बनती है। तो गाजर के जो गाजर का गजरेला या गाजर का हलवा है उसकी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे ना सुभान को बड़ा पसंद है, इसलिए ना रेहान जो है ना सुभान के लिए ले आया। तो यहाँ पे जी मज़ेदार से हमारे चने हैं, नान है, और यहाँ पे नाश्ता वगैरह करते हैं, गर्मा गर्म नान चने हैं, अजान के नान गर्मा गर्म, यहाँ नान बड़े अच्छे लेके आता है। अजान के ना उन फेस दे के नान लगा के देते हैं वो, बिस्मिल्लाह चने ना सुटो थले बहुत कीमती है। मजेदार यान अच्छे है, और बहुत मजेदार नान है। कामरान से ही खाते हैं चने लगा के। हाँ जी, तुसी क्यों नहीं सही खाते? चलो खाओ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਡ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਤੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਤੇ ਹਾਂ ਆਪਸੇ। ਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਯਹਾਂ ਪੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਸੋ ਗਏ ਥੇ, ਅਭੀ ਹਮ ਉੱਠੇ ਹੋ, ਰੈਡੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੇ, ਔਰ ਅਬ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਲੋਨ, ਔਰ ਸਬਾਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪੇ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸੁਬਹ ਧੁੰਦ ਥੀ, ਸੁਬਹ ਸੁਬਹ ਜਲਦੀ ਹਮ ਉੱਠ ਗਏ ਥੇ,
चाय वगैरह नहीं पी थी और बस अब हम जो है ना हो गया रेडी और यहाँ पे बन रही है चाय। हाँ जी जनाब, गुड मॉर्निंग। अभी तो सुबह कितने बजे तक है? हाँ जी, काम वाले बर्तन तो ऐसे से ही नाश्ते की नाश्ते के बर्तन थे ना नाश्ते दे तो मुंडा जी लगता ही पता नहीं है यार रात दे बर्तन नाश्ते नाश्ते के बर्तन जी काम वाले वॉश कर दिए थे, मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी थी इसलिए। और बस मैं अब हो गई हूँ यहाँ पे ना, मेरी चाय बन रही है। अभी दस ना चाय कौन बना दिया है? थोड़ी बहुत नाश्ता तो कर लिया हुआ था, चाय शाय पीते हैं चलते हैं सैलून। तो जो भी एक्टिविटी होगी इंशाल्लाह आपके साथ हम शेयर करेंगे। अजी जनाब जल्दी करो फिर फैमिली है साढ़े को। आज जी अब्दुल खालिद में चले जा रहे हैं तो बस गाड़ी से बिठाने जाना है। अब्दुल खालिद को गाड़ी में बिठाने जाना है, यहाँ पे चाय रेडी है। तो मोस्ट वेलकम जिसने जिसने पीनी है। सर्दी के मौसम में आपको चाय का भी मजा आता है, ये धुएं कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी सर्दियाँ धुएं होता है चल यार हमारी हो गई है रेडी। मुला दे पास पैरा दी आ रही है। हाँ दूर ही आ गया बुला वै दूरों पैदा दी बात करके आई थी। आहो सुलह हो गई है, सुलह हो गई। पता नहीं नाराज कब होता है, सुलह कब होती है, मुझे यही नहीं पता कि तू नाराज था। नाराज पता नहीं ऐसे था ले ये क्या ले क्या है गोलगप्पे चाय भी नहीं गोलगप्पे हैं क्या बाजी नहीं हुआ चलो गोलगप्पे चल ठीक है तेरी मर्जी है। हम तो पीते हैं ना दिखाओ ना तेरा गोलगप्पे शॉपर खोल के वो दिखाओ। अच्छा ये चाहिए लावा प्लेट में डाल दो। फ्रेंड्स को पता चले कि सुभान के शकरगढ़ में गोलगप्पे किस तरह के हैं। बहुत अच्छे यहाँ पे, बहुत अच्छे हमारे गोलगप्पे होते हैं। हाँ दरवा के लेके आया वैसे है। हाँ जी यार सही है, टाइम सही करता है पूरा पूरा खास। गोलगप्पे खा के ना तो सभी ने खुश हो जाना है, सुभान तो वैसे ही खुश हो जाना है। सुभान सारे खा लेगा नहीं मैं नहीं कर रहा। ये पान भी बड़ा मतलब का मैंने कहा था सामान है, अगर मैंने चाय ना बनाई होती तो मैंने भी ना गोलगप्पे खा लिए। अब नहीं खाने, अब नहीं, अब टाइम खत्म है, अब बात नहीं। चलो जी आ जाओ। तो मेरी सुबह का तो मेरी पसंद का पता है कि मामा को कौन सा बिस्किट पसंद है, मैं ये भी खा लेती हूँ, पार्टी भी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे जी चाय साथ बिस्किट सुबह मजे थे गोल गप्पे हैं सुबह ना क्रिस्पी है। यहाँ पे बिस्किट भी बड़ा मजे का लेके आया सुबह ले ले आप भी यही खुला वाले ले। सारा कुछ खा के तो बाद में डाइटिंग है समान। सारा कुछ खा के बाद में पापा डाइटिंग कर लेते हैं। चुप करके ना बिस्कुट खवाया वाले, मैं भी एक दो ही खाने हैं। मुझे पापा की मम्मी पीते रहा पापा का पतला होने का गला पानी पीते हैं आप भी पीते। मेरे अंदर नहीं जाता, मेरे अंदर तो यही जाती है चाय। कामना साहब गर्म पानी पी लेते हैं, बार बार पी लेते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ पी लूँ, पास ही बड़ा होता है मेरे पास ही थर्मस होता है, लेकिन कभी कभी पी भी लेती हूँ। तो ज़्यादातर ये है कि मैं अपने पास दूसरी बॉटल रखी होती है ठंडे वाली की, मैंने वो ही पी रहा था। तो जी फ्रेंड्स हम हो गए हैं रेडी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी फ्रेंड फाइनली मैं अपने सैलून पहुंच गई हूँ, यहाँ पे कस्टमर थे उनका काम शाम हो गया। अब मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी आज फेशियल लूँ क्योंकि काफ़ी देर हो गया फेशियल नहीं करवाया, और फेशियल लेते हैं प्यारा सा एक मेडिकेट तो स्किन को ना थोड़ा सा मेनटेन करते हैं। अभी भी आप मेरी फेस देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं करा हुआ, सिर्फ मैंने लगाई हुई है फेयर लवली क्रीम। तो बस अब इसको भी जो फेस मीट करते हैं अच्छे से अपना, तो फेशियल लेते हैं। और नेहा मेरा आज फेशियल करेगी, नेहा हाँ आज मेरा फेशियल कर दो, तो प्यारा सा फेशियल करवाते हैं फिर हम आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड यहाँ पे जी पॉलिश कर दिया स्टार्ट, और ये देख सकते हैं मेरे
जो मेरी स्टूडेंट है वो मेरा काम करने वाली है, और यहाँ पे जी हमने पहले पॉलिश लगा ली है। तो पहले मैंने अपनी आईब्रो थोड़ी सी नीट करवाई थी, फिर मैंने कहा चलो फेशियल करवा लेती हूँ। फिर यहाँ पे जी काम हो गया स्टार्ट, और अभी मैंने पॉलिश लगाई है, इसके बाद जो है ना हमारा मसाज वगैरह होगी प्रॉपर, इसको कम्प्लीट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यहाँ पे जी फिर का हो गया, और यहाँ पे जी 15 मिनट हो गया, नहीं वैसे मैं जगह 15 मिनट तो नहीं हुए ना अभी, मैं नहीं कर दे खैर। तो यहाँ पे जी यहाँ पे अभी तो 10 मिनट हुए हैं, 10 मिनट के बाद मैं इसका मूव करने वाली हूँ, आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं आप। अब इसकी मसाज वगैरह होगी फेशियल की, ये देख सकते हैं। मेरा दिल कर रहा था कि आज मैं फेशियल लूँ, थोड़ी सी स्किन भी ना फेशियल, वैसे भी स्किन के ऊपर थोड़ा सा एक मंथ के बाद फेशियल लेना चाहिए, और मुझे काफ़ी देर लगी थी, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने कहा कि अपने लिए ना आज मैं टाइम निकाल लूँ, तो बस फिर मैंने कहा फेशियल करवाते हैं। अभी मैंने पॉलिश भी ली है, तो यहाँ पर ये देखिए जी इसका रिजल्ट कैसा है, अभी हाथ भी नीट करती है मेरे यहाँ, यहाँ पर जी हाथों को भी करने वाली है रिमूव, इसकी भी पॉलिश उतार के सारा इसको नीट वगैरह करके साफ सुथरा करके फिर आपको दिखाती है। नेक्स्ट जो इसकी मसाज होनी है फेशियल की, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जी यहाँ पे मेरी हो रही है मसाज, मसाज वगैरह कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाएंगे यहाँ पे मसाज। मेरा मुंह देख सकते हैं मैं क्या बनी इस टाइम प्रॉपर जो है ना, ये मेरी सेकेंड मसाज शुरू हुई है, अभी मेरी पीछे चार मसाज और भी है बाकी, तो प्रॉपर जो फेशियल करके ना आपको इसका रिजल्ट दिख रहे हैं कम्प्लीट होगा जब। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी प्रॉपर मसाज हो गई है सारी, और बस अब इसका लगेगा मास्क लगाएंगे और फेस देखें। अभी तो जो ना लाइट भी चली गई, ये UPS की लाइट है, और मेरा फेस आप देख सकते हैं कितना नीट हो गया। तो प्रॉपर अभी इसकी हम मास्क लगाएंगे, 15 मिनट मास्क लगाने के बाद प्रॉपर हमारा काम हो जाना ख़त्म। तो ये है जी नेचुरल ब्यूटी आपके सामने, और अभी बस अब थोड़ी सी बाद में लिपस्टिक लगा लेंगे, फिर हम हो जाएंगे रेडी फेस वॉश करके। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी आ गया जी बहुत प्यारे से गेस्ट आ गए, कहाँ से आ गया जी, छोटा सा फैन आ गया जी सियालकोट से, ये देखिए क्यूट बेबी, और ये सारी वीडियोस देखता है, टिकटॉक की भी देखता है, व्लॉग की भी देखता है, और कहता है कि मैंने आज मिलना ही मिलना है, किसे मिलना है, पूरी फैमिली देखती है, और पूरी फैमिली के लिए लव यू दिल से कि जो हम इतना प्यार करते हैं और देखते हैं। अच्छा अच्छा सादिया थैंक यू, शहजादी लव यू हो गया आपके लिए, मोमना आपके लिए भी लव यू हो गया जब हमें देखते हैं, और प्यार करती है रबिया आपके लिए भी लव यू हो गया, खुश रहे बाद रहे हंसते रहे मुस्कुराते रहे। और पहले भी ना जो उसने ना वो जो मुझे मिली थी वहाँ पे वो कौन था, इसकी नानो ही। नानो हाँ इसकी नानो मिली थी मुझे ना, वो भी सियालकोट से आई थी, वो कह रही थी कि वहाँ मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली है आपकी, बहुत अच्छे लगते हैं, और मेरी प्यारी माँ जी आपके लिए लव यू हो गया, बहुत सारा थैंक यू सो मच कि आप मुझे देखती है, और प्यारे प्यारे कमर्स होते हैं, और माशाल्लाह से है ना एक ही बेटा है हाँ, और बहुत प्यारा है, जोड़ी है ना घर ऐसी जोड़ी रखी दी है। अच्छा अच्छा और माशाल्लाह देखो कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह ये तो मुझे लग रहा है यान सुभान खान जैसा लग रहा है, सो क्यूट माशाल्लाह ना, वैसे ही लुक है उन बच्चे जैसा ही है, बिल्कुल सुभान जैसा हाँ चिट्टा सा मेरे भाई है बहुत अच्छे है जी, और और ये साथ में जी लेके आए हैं जी इस नैन को साथ में, और हमने इसके साथ वीडियो बनाई एंजॉय किया बहुत अच्छा लगा भाई, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप भी हमें देखते हैं, और थैंक यू बहुत शुक्रिया जी, ये आपकी मोहब्बत है और आपका प्यार है, थैंक यू जी थैंक यू बहुत शुक्रिया। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी मैं हो गई हूँ फ्री, यहाँ पे आ गए जी कामना साहब लेने के लिए, अब काफ़ी टाइम हो गया हुआ है और सर्दी पड़ी है, हाथ बड़े ठंडे हो गए हैं, और अभी हम घर चलते हैं। तो जनाब साहब हाँ जी जनाब बहना आए थे थोड़ी देर, कामरा घर जाना है, कह रहे मुझे बड़ी नींद आ रही है क्योंकि हम सुबह ही उठ गए थे, अब हमारी थोड़ी सी रूटीन चेंज हो जानी है, मतलब कि ना जब मतलब कि मुझे लग रहा है
कि जब काम ने घर जाना ना तो बैठ लेना तो काम ने सो जाना है, लेकिन मैंने सोने नहीं देना, कुछ खाएंगे मत हो गया इधर सारे घर कोई खिलाना नहीं है, सफाई तो करनी पड़ेगी ना, दो डेली की वॉश करते हैं तो सफाई की केड़ी गल है, मैं जंदे सफाई भी करके तो सोई ना, तो सीधी करनी सफाई मैं पे कर लूंगी तानू, बस और काम दिखांगे की करना है, और देखते हैं घर जाके क्या करना है, क्या बनाना है, क्या अरे है माइंड कुछ बनाने का, डेली कहते खानी है, मैं दो दिन हो गए खाना वगैरह खाते, चाय पीते है, पीने का टाइम ही नहीं मिला, खाई नहीं है, तो बस अब घर चलते हैं, चली के थोड़ी सर्दियां गर्मियों का मजा आता है, बस ये कि चलते हैं अब घर, घर जाके देखते हैं जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे, सभी फैमिली के बड़े प्यारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं, बस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें, बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहे, तो आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक से कुछ नहीं जाने वाला, वहाँ का वहाँ ही आपका बैलेंस भी वहाँ पर रहना है, सब कुछ वहाँ पर रहना, कहीं कहीं नहीं जाने वाला, सिर्फ आपने लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है और ऑल पर क्लिक करना है ताकि तमाम जो मेरी वीडियो आपके पास आती रहे, और आप चलते हैं इंशाल्लाह जो भी एक्टिविटी होगी आपके साथ शेयर करेंगे, चले चलो जी चलो सिस्ती, आज हम लेने आए हैं बेकरी का सामान वगैरह बच्चों के लिए, कुछ ले जाते हैं, लेट हो जाते हैं और यहाँ से कुछ चीज़ वगैरह लेते हैं बच्चों के लिए, और एक रस है बिस्किट वगैरह हैं, और रस ज़्यादातर रस खाते ही शौक से और सामने यहाँ हाँ जी किधर लो काका, तो जी फ्रेंड फाइनली हम पहुंच गए घर, बच्चे पता नहीं किधर अपने रूम में हाउस, बच्चों की तो आवाज़ ही नहीं आ रही, बच्चे किधर है, तो जी फ्रेंड यहाँ पर जी मैं लेके आई हूँ चावल, ये वाले ना नए चावल ख़त्म हो गए थे, आज भी नए चावल लेके आई हूँ, ये चावल है और यहाँ पे हम बनाएंगे आज ये तड़के वाले चावल, दूध भी आ गया था साथ में, दूध का भी बॉयल दे रहे हैं साथ में, यहाँ पर मैंने अंडे बॉयल रख दिए हैं साथ में, यहाँ पर बर्तन वॉश कर रहे हैं सुबह के जो नाश्ते के बर्तन हैं, नाश्ते के तो वॉश कर दिए थे अभी, कुछ थोड़े बहुत मैंने फारे किए थे बर्तन, वो बर्तन है हम वॉश कर रहे हैं साथ में, मैं अंडे बॉयल कर रही हूँ, आलू को छीन लेते हैं, और आलू मेरे ख्याल से रिहान जो है ना लेने भी गया कुछ सब्ज़ी मसाला वगैरह कुछ चीज़ें कम थी, मैंने कहा वो ले आओ साथ में, ऑयल ले आओ, तो बाकी अपना खाना वगैरह बनाना स्टार्ट करते हैं, आज बनेंगे आलू अंडे बनाएंगे शोरबे वाले, और साथ में हम बनाएंगे तड़के वाले चावल, नहीं चावल बस यहाँ पहले मैंने ना पहले जल्दी जल्दी से ना बना लेती हूँ तड़के वाले चावल, तो साथ में मसाला वगैरह तैयार कर लेती हूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं, यहाँ पे भी मैं बना रही हूँ तड़के वाले चावल, प्याज कर लूँगी थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन, इसके अंदर थोड़ा सा ज़ीरा लौंग दालचीनी और काली मिर्च डालेंगी और हमारे तड़के वाले चावल बन जाएंगे, ज़्यादा तड़का नहीं लगाएंगे, लाइट सा तड़का लगाया मैंने, नमक शमक इसके अंदर डाल लेते हैं, नमक लौंग, हाँ जी मैडम जी ये हो लगा जी मसाला तैयार, तो लहसुन मैं छिलदा हुंदा ही अज तुसी छिल ले, नहीं अभी मैं छिलया दो दिन दफा, अच्छा हाँ की बोल गए, मैं पता नहीं पे चलिया तुम और काम करवांदी है कि मेरे को तगड़े जे लहसुन तू छिलया है तदा मतलब कि काम मेरे को तू तगड़ा लंदी है नहीं लहसुन ते जो मैं वेला हुआ फिर तो कहने लहसन छिलो कामना ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹ ਫੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੋਰ ਤੇ ਤੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨੀ ਆ ਇਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਹੁੰਗਾ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕਰਦੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਨੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਨੇ ਆ ਰਾਜ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ क्योंकि मैं यही चीज सोच के ना
कि मशीन लगा के ना जो कपड़े वाश बंदा कर लेता ना तो जो जी ठंड पै रही है ना तो सुखाने कितने ए टेंशन है गल मशीन लाने की नहीं गल सुखानी है तो फिर कपड़े च सगो धो के स्मैल आने वाली गल होती है बहुत टेंशन पी जी है माशाल्लाह लसन छिल लिता ते अज की बना लगे जी आज मैं दस दिता आलू मटर अंडे आलू मटर ते मेरा दिल आलू चावल बना लगी है हां जी तड़के आले खाने ही और तुहानू चावल तड़के चावल की भी रेसिपी बनाई थी वाह जी वाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह हां जी मैं आप नहीं आते बस भी मैं उनके लिए रेसिपी बना दी है जो देखते हैं कभी कभी किसी को ट्राई देना चाहते हैं तो वो जो वो बनाए ठीक है वो उनके लिए रेसिपी है। अच्छा जी यहाँ पे ना मैंने तो अभी चावल डाल दिए हैं चावल मैंने पहले बना लिए हैं और काम का तो माइंड नहीं था कुछ पकाने का ना खाने का ऐसे हो जाना था और मेरा दिल कर रहा था मैं ना बच्चों ने भी कुछ पूछना है तो कुछ खाना है तो क्या खाना है अजी अजी बस जा रहा है कुछ पक्के दा गया था इजी खान गए प्याज है प्याज चलो जी माशाल्लाह जी प्याज प्यूज कटो फिर आइए फिर असि तड़के आले चावल मैडम जी अरे देखो जरा माशाल्लाह माशाल्लाह ये चांद सल ये चांद सा हरियाणा दादा ये चांद सा रोशन चेहरा ये जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी भी तेरी आंखें इसमें राज है कुछ गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया मैडम अज कोई चेहरा चमकदार लग रहा मैं गल कोई है बड़े नहीं 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 अज कोई गल है ऐसा नहीं नहीं गाना गाया ये चांद सा रोशन चेहरा ये जुल्फों का रंग सुनहरा ये झील सी तेरी आंखें इसमें राज है कोई गहरा तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया मुझे लग रहा है कोई के गाग ने तेनू तो नहीं फिशल कर दिता तो कि तू गागा का फिशल करती करती लगता कुछ है मैं कितने पाड़िया यार तो मैं कि नहीं पाड़िया यार मैं तेरे लिए गाने गा दिया तू मुझे गा दे है हैं यार मैं तेरा तेरे लिए देख लो जी जाला मैं बुढ़ी मिली थी बंदे तो रिमाइंडिंग सारा रिमाइंडिंग सीन एक छापर फाटन दे तो रिमाइंडिंग सीन खराब कर दिता दे यार मेरी गल सुन मैं तेरे लिए गाने गा दिया तू मैं चिड़क देनिया हेलो फड़ो इतने ब्लॉग बंद हाँ मैडम देखा मैं छापर तेरा कचरा आला सुटदा है फाड़िया फूड़िया मैं नहीं सी है ना मैं तेरे छापर अल गया तो जे फाट भी गया तो फिर केड़ी गल सी नहीं यार एडा सुना अरे यार ने लकमा दे दिता ही जरा मैं तो मैं फिर दूसरी बारी गाया नहीं सोनी बड़ी लग रही है अज की गल है ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਫਿਸ਼ਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਫਿਸ਼ਲ ਕੀਆ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਕਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਸ਼ਲ ਕਰਨਾ ਆ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੇ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪੀ ਆਪ ਤੋਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਹੀ ਜੋ ਨਾ ਫਿਸ਼ਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਜ ਮੈਨੇ ਨਾ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਪੀ ਅੱਛਾ ये है ना आज आपकी खूबसूरती का आप फिशर करवाती है मैं कहा हाँ करवाती हूँ फिशर भी करवाना चाहिए स्किन अच्छी रहती है स्किन डैमेज नहीं रहती
स्किन को भी मेंटेन करने की जरूरत है, जैसे कि हमें भूख लगती है तो स्किन भी कहती है भी कुछ लगाओ। सानू तो भूख लगती है जिधर रोटी खा लेने और तो भूख लगती लगती है, लेकिन स्किन भी मेंटेन। लड़के तो वैसे खूबसूरत है, जुगनू भाई की शादी पे किया था, नहीं 4-5 साल हो गए किया था मैंने सबके किया था। घर डॉक्टर होए तो बीमारियां घट ही होंदियां नहीं और मसाले की रेसिपी करके चलो मन नींद बड़ी आई थी वैसे गैस ते बिलकुल नहीं आ रही ते जरा ना ए वाला चुप कर जा ना आहो बड़ी जल्दी भर रहा मगर एक गल है भावे पुराना है पर है दमाका माशाल्लाह जी माशाल्लाह। चलो जी वैसे एक गल दसदा बड़े बड़े खाने खाधे हो पर आसपास के हाथ के खाने जड़े ना वाह यार डिफरेंट ही है। क्या बात है, क्या भी हो गई है वाह जी वाह। जी हमारी जो ना देखिए जी हो गया है रेडी, शोरबा तो हमारा हो गया है रेडी। अभी हम इसके में डालेंगे या भी मेरे पास है अंडे जी इसके अंदर लगा लेंगे, अंडे को लगाएंगे इस तरह से कट लगा लेंगे उसके अंदर अंदर डालेंगे। अंडे को ना मैंने नमक डाल के बॉयल किया था, थोड़े से अंडे भी इसके अंदर दो तीन बॉयल आ जाते हैं, इसी तरह से मैं इसके अंदर अंडे शामिल करूँगी और इसको थोड़ा सा कवर करूँगी धनिया वगैरह डाल के, थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के। ये देखिए कि काट मैंने इसलिए लगाए हैं जो मसाला है ना हमारा इसके अंदर भी चला जाए। और यहाँ पर भी मैंने साथ में तड़के वाले चावल बनाए, इसके साथ रोटी खा सकते हैं, नान खा सकते हैं, रोगनी जो आपका दिल करे आप खा सकते हैं। ये देखिए जी हमारी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी हो गई है रेडी। यहाँ पे है जी मेरे पास धनिया, यहाँ पे है जी गरम मसाला धनिया इसके ऊपर डालेंगे और माशाल्लाह से ना मज़े की खुशबू आ रही है। क्यों जनाब? हाँ जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ये पता आजकल नए आलू आए हैं उसकी काफ़ी ज़्यादा रेसिपी बन जाती है। आलू बुने बनाए, आलू अंडे बनाए, शोरबे वाले बनाए तो बनाए ज़रूर। देखिए इसकी जो तरी भी ऊपर आ गई है और प्रॉपर ये रेडी भी हो गई है। अभी मैंने ना इसका डालना है इसके ऊपर गरम मसाला और मैंने इसको कर देना है कवर और चूल्हा कर देना है बंद और ये हो गई है डन। और मुझे डालती हुई रेसिपी है इसको हम कर देते हैं, इसे रख लेते हैं हम साइड पे इस तरह से और जनाब इसको टेस्ट करेंगे फिर आपको बताएंगे हमारी रेसिपी कैसी है। चूल्हा देखो कैसा है, चूल्हा तो बड़ा बढ़िया है।
यहाँ पे जी हमारा खाना हो गया था रेडी रेडी कैसे के बड़ा मज़ेदार हमने इंजॉय किया, साथ साथ खाना बनाया सिलेंडर पे, और यहाँ पे बन गया खाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हमने बनाया जी आलू शोरबा साथ में तड़के चावल, जो तड़के वाले चावल है ना मैंने आती बना लिए अरे आ और यहाँ कहता मम्मा मुझे भूख भी लगी है और मुझे ना अब खुशबू भी इतनी आ रही है। तो यहाँ पे जी हम खाना वगैरह खाते हैं सभी फैमिली के साथ बैठ के, आप भी खाएं आ जाएं बिस्मिल्लाह करें हमारे साथ करें इंजॉय, बड़े मज़ेदार बना खाना आलू जो अंडे और शोरबा। तो मुझे कमेंट्स में भी बताना है कि आपको रेसिपी देखनी है, आशिफा कुकिंग रेसिपी आपने देखनी है और किस किस पसंद है ये भी मुझे आपने बताना है। तो यहाँ पे ना कामरा साहब तो कर रहे हैं टेस्ट और खा रहे हैं, जनाब से पूछते हैं। हाँ जी मज़ेदार। और बात देखा कितनी सर्दी है। हाँ जी बाहर हम बैठे थे और सर्दी से बुरा हाल हो गया था, मैंने कहा आप जल्दी से काम ख़त्म करते हैं और अंदर बैठ के ना खाना खाते हैं फैमिली के साथ बैठ के। ये देखिए अजान भी सोया हुआ है, सुभान भी सोया हुआ है, अच्छा चलो जी हम भी खाते हैं आपको बताते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये यार अंडे कभी कभी कुछ समझ ना आए तो क्या खाना है आप तो ये बनाया करें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं। ये है जी आलू अंडे और साथ में तड़के वाले चावल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी खाना खाते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। जान कामरा का हाल देखिए, खाना खा मैंने खाया है तो मैंने भी ना मैंने कहा मुझे खाना खाते तकरीबन 10 मिनट हो ही गए हैं, मैं बैठी हुई ऐसे ही, मैंने कहा सुबह भी उठ गया तो सुबह भी खाना खा ले, तो फिर मैं बर्तन उठाती हुई देखे सुबह मम्मी इसने ना आलू डाले हैं और साथ में शोरबा डाला है, इसने ना अंडा नहीं डाला, मुझे पता था इसे अंडा नहीं खाना, मैंने कहा खा लो मज़ेदार है, लेकिन नहीं लिया उसने, आज आन तो सोया हुआ ये उठा नहीं है, कामरा को ना नींद आ रही है बल्कि सो ही गई है कामरा को नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थकी है आज, इतनी ठंड भी पड़ी है बहुत सर्दी पड़ी है। और मैं ना जा रही हूँ किचन में चाय के लिए, तो ना जब मैंने चाय लेके आना ना तो कामरा के खराटे सुनने वाले होने हैं, अगर तो सुनने तो जल्दी से मुझे कमेंट्स कर रहे हैं आप। बाकी ये कि मैं जाती हूँ किचन में और मैं लेके आई हूँ केक रस वगैरह, रस लेके आई हूँ, मुझे पता है कामरा साहब एक दो ग्लास केक रस तो एक दो खाएंगे चाय के साथ, तो सोएंगे नहीं ना मेरे साथ, पक्का पक्का वादा। चले फ्रेंड्स अल्लाह खैर करे, मैं जलती हूँ भाई जल्दी जल्दी से, मैंने सिलेंडर में चाय बनानी है और मैंने चाय जल्दी से ना लेके आ जानी है, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर मेरा काका भी उठ गया था माँ सद के जाए अजान, मैंने कहा तू भी इधर बैठ के खाना खा ले, कहता मैं आता हूँ फेस वॉश करके, मैंने कहा रहने दो सर्दी बहुत है इधर ही खा लो, तो मम्मा चाय बना के लेके आती है, फिर मैंने इसको भी डाल के दे दिया, उसमें से सुकून हो गया कि माशाल्लाह जान ने भी खाना खा लिया और मम्मा बस अब खुश हो गया, मम्मा को सुकून हो गया। तो यहाँ पर जी मेरी बनी है चाय बन गई है, बस यहाँ पर ना मैंने सारा कुछ ही डाला और जल्दी जल्दी से चाय बना डाली। यहाँ पे जी केक रस है बकरा नहीं है बंद है, और यहाँ पे यान भी है सुबान भी है और चाय भी है, और यहाँ पे कामरा साहब शुक्र है सोने से बच गए, सो ही रहे थे पर बड़ी मुश्किल मैंने हिलाया हलवाया, ज़रा उठो ज़रा होश करो चाय पी लो नहीं तो काम ख़राब हो जाना। फिर मुझे चाय तो मैंने पी ली थी लेकिन मज़ा नहीं आता ना कामरा के बगैर चाय पीने का, यान भी कहता मुझे जहाँ पर चाय दे दो, नींद आई हुई है यान को भी, सुस्ती पड़ी हुई है सुस्ती बहुत ज़्यादा, कहता मुझे उधर चाय दे दो। तो जी फ्रेंड यहाँ पे जी मैं चाय पीते हैं एंजॉय करते हैं और मज़े से खुश रहें आबाद रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें, अगर रात की एक्टिविटी अच्छी लगती है जल्दी से मेरे चैनल को कर दे, मेरे चैनल को कर दे लाइक कर दे कमेंट कर दे सब्सक्राइब कर दे बेल आती रहें। ओके फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे नई गुड मॉर्निंग के साथ, ओके अल्लाह हाफिज़ बाय बाय।